बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश हमारी जन्मभूमि है, हमारी माँ है, और महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि है, हमारी सिनेमा है। हम किसान के बेटे हैं, हम गोदाम में धान गेहूं गन्ना भरते हैं, लेकिन उसको उगाने खेती में जाते हैं। प्रणाम करता हूं महाराज जी आपको। जग्गीदा ने मुझे खड़े होने की हिम्मत दी, क्योंकि खड़े होने से मुझे अपनी हाइट का एहसास रहता है, सब बैठे मैं खड़ा हूं। महाराज जी, आप अध्यात्म और कर्म और धर्म की जागृत चेतना है। बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश हमारी जन्मभूमि है, हमारी माँ है, और महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि है, हमारी सिनेमा है। तो माँ और सिनेमा के बीच में एक ऐसी आपने पहल की है कि देखिए, मेरे हिसाब से पहली और आखिरी फिल्म सिटी है जिसका नाम है गोरेगांव फिल्म सिटी। ठीक है, इसकी हजारों सब सिटी है। बॉलीवुड जो है मलयालम से, जैसा सुनील अन्ना ने बताया बड़ा अच्छा, एक तेज करण साहब ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, जो लगभग सिटी है कॉरपोरेट सिटी है, नोएडा एक कॉरपोरेट सिटी है, जहाँ पे प्रशिक्षण की बात बहुत अच्छी आई कि हम लोग अगर लैफ्ट, हम किसान के बेटे हैं, हम गोदाम में धान गेहूं गन्ना भरते हैं, लेकिन उसको उगाने खेती में जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नोएडा हमारा कॉरपोरेट सिटी है, वहाँ प्रशिक्षण सिटी, कॉरपोरेट सिटी, लैब सेंटर, प्रशिक्षण सेंटर सब कुछ बने, और उसको फिरकी बना के उसका माझा हाईवे के रूप में 3.5 घंटे दूर एक आपका ऐसा कोना है जो जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, पर्यटन से ओतप्रोत है, जिसको रोयल खंड बोलते हैं। अगर उसको धान गेहूँ गन्ना की तरह एक क्रिएटिव सृजन के रूप में अगर सब लोगों को बोला जाए कि नोएडा आइए, आप वन विंडो, जैसा कि सुनील अन्ना ने बोला, तेज करण साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि सारे सिटी एक जैसे लगते हैं, एक बार आप शूटिंग करेंगे तो दोबारा उस बिल्डिंग में शूटिंग नहीं हो सकती, लेकिन प्रशिक्षण खूब हो सकता है, लैब खूब हो सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, बिकॉज आज पूरी दुनिया छोटा सा गांव हो चुकी है, डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है, और इसमें अगर नोएडा से हम मात्र 3-3.5 घंटे, जहाँ पे 100 किलोमीटर का जंगल है, चंपावत से लेके पीलीभीत से लेके, जहाँ पे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, जैसा कि छोटे छोटे लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगी, गोरखपुर हमारे पास में आपकी जन्म, आपकी जो ऐसी सिटी है जिसको आपने देखा है, गोरखपुर एयरपोर्ट है, लखनऊ एयरपोर्ट है, बरेली एयरपोर्ट आपने बनवा दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, पंतनगर एयरपोर्ट है, और ये सारे एयरपोर्ट मिलके ये उत्तरार्ध कोना वैसे भी कुबेर का कोना बोला जाता है। अगर ये 100 किलोमीटर का जंगल है, पड़ोस में नेपाल है, पड़ोस में चंपावत है, जहाँ पे पशु पक्षी से लेके दुनिया की कोई भी चीज़ हो, वो आप बोलते हैं जहाँ प्रकृति होती है वहीं हवा रहती है, हवा में ही कला होती है। तो मैं आपसे जरूर एक विनती करना चाहूँगा कि अगर सब लोगों के लिए, हम लोग नोएडा के लिए, हम फिल्म सिटी कॉरपोरेट सेंटर, अगर आपको ये विनती पूर्वक सुझाव अच्छा लगे तो आपके जड़ों में जरूर रखना चाहूँगा, लेकिन खेती, क्रिएटिव खेतीबाड़ी, सृजनशील खेतीबाड़ी के लिए हम सबको ये सुविधाएं दे सकते हैं कि अगर आपको सेट लगाने हैं, अगर आपको प्रकृति के करीब जाना है, तो हमारे पास पहाड़ भी है, हमारे पास जंगल भी है, हमारे पास जमीन भी है, और वो ऐसा कोना है जो अभी तक अछूता है। आई थिंक वहाँ पे अगर फिल्म सिटी शूटिंग क्षेत्र का गेट भी लग जाएगा तो पर्यावरण के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से हजारों लोगों को घूमने का मौका मिलेगा, और जहाँ मधुमक्खियाँ जाती हैं, बिलीव करिए, एक एक मधुमक्खी की तरह रोजगार के साधन, चाहे ठेले वाले से लेके हो, चाहे दूध वाले से, हजारों लोगों के रोजी रोटी के साधन खुल जाएंगे। तो अगर रोहिलखंड को जेवर से, नोएडा से जोड़ दिया जाए कि ये हमारा कॉरपोरेट सेंटर है, फिल्म सिटी कॉरपोरेट सेंटर, और शूटिंग सेंटर हमारा रोहिलखंड है, तो वो पतंग रोहिलखंड में उड़े, उसका माझा आपके हाथ में हो और नोएडा में हो, तो आई थिंक बहुत ही शोभा बढ़ जाएगी, और 7 फिल्म इंडस्ट्री उससे जुड़ जाएंगी, क्योंकि और जो हमारी बॉलीवुड से कनेक्ट हो जाएंगी। 7 फिल्म इंडस्ट्री मतलब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, मैथिली फिल्म इंडस्ट्री, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री, बुंदेलखंडी फिल्म इंडस्ट्री, उत्तराखंडी फिल्म इंडस्ट्री, हिमाचली फिल्म इंडस्ट्री, राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, ये सब मिलके बॉलीवुड का हिस्सा होकर हमारी फिल्म सिटी मुंबई से जुड़ जाएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राजकुमार संतोषी जी।